हेलो दोस्तों, तो हम लोग एमएस वर्ड को सीख रहे हैं जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और अभी हम लोग देखेंगे इमेज फ्रॉम फाइल एंड क्लिपबोर्ड। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज फ्रॉम फाइल एंड क्लिपबोर्ड एंड फॉर्मेटिंग ऑफ इमेजेस। ओके गाइस, तो इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ओके, तो यू कैन इन्हेंस योर डॉक्यूमेंट बाय इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम ए फाइल। आप अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छा लगने के लिए अपने फाइल से डॉक्यूमेंट लगा में कोई इमेज से लगा सकते हैं, कोई 3D इफेक्ट लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो कि अच्छा लगे। तो उसमें से एक चीज़ होता है मेरा इमेज। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, उसका विजिबिलिटी जो होता है और अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए हम इमेज को उसमें इंसर्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, एम एस वर्ड क्लिप आर्ट लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ वास्ट कलेक्शन ऑफ इमेज टू इन्हेंस योर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो ये क्लिप आर्ट जो है, एम एस वर्ड जो मेरा होता है, वो फीचर इसमें एक प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हम ऑनलाइन इमेजेस को उसमें ऐड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्लिप आर्ट। ठीक है, जिसमें एक 3D होता है, कि स्टॉक इमेज करके होता है, और भी बहुत सारा होता है। इसमें हम इमेज को ऐड कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। ठीक है, उसमें बहुत सारा फीचर दिया गया, बहुत सारा लाइब्रेरी है, उसमें से हम कोई भी इमेज हमको जो काम का लगता है वो उठा सकते हैं। ओके, तो वो क्लिप आर्ट का बात हो गया। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मेटिंग का, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एम एस वर्ड प्रोवाइड्स वेरियस टूल टू फॉर्मेट एंड इन्हेंस इमेज। एम एस वर्ड में बहुत सारा वेरियस टूल होता है जिससे हम इमेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको बनावटी को बदल सकते हैं और उसको इमेज को और इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेटिंग का ये बात हो गया। तो तीन बात हम देखिए आज तक, इमेज फॉर्मेट, इमेज फ्रॉम फाइल एंड क्लिप आर्ट, उसके बाद फॉर्मेटिंग ऑफ इमेज। इमेज फ्रॉम फाइल से हमने ये बात किया, जो फाइल से हम फाइल इमेज को इम्पोर्ट करते हैं ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो और अच्छा लगे। ओके, उसके बाद क्लिप आर्ट का बात किया, तो हम ये बताएं जैसे एम एस वर्ड में क्लिप आर्ट एक लाइब्रेरी होता है जिससे हम अलग अलग इमेज उसमें ऐड कर सकते हैं, या तो 3D इमेज हो, या 2D इमेज हो, या फिर कोई डायग्राम हो, उसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर्मेटिंग इमेज का बात की। तो एम एस वर्ड में बहुत सारा टूल होता है जिससे हम अपने इमेज को फॉर्मेट कर सकते हैं और अच्छा लगने के लिए बहुत सारा उसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, तो ये सब हमने बात कर लिया। तो अब आते हैं सॉफ्टवेयर में, जब आएंगे तो सॉफ्टवेयर में कैसा लगेगा। तब आप जब सॉफ्टवेयर में आइएगा तो सॉफ्टवेयर में एक सेक्शन होगा इलस्ट्रेशन का, एक सेक्शन होगा इलस्ट्रेशन का। इलस्ट्रेशन करके सेक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपने को दूसरा नाम होगा। तो मेरे में तो है इलस्ट्रेशन करके एक सेक्शन है, उसी में ये जो भी पिक्चर वगैरह है वो ही रहता है। ठीक है, तो एक इलस्ट्रेशन करके एक सेक्शन आएगा जिसमें आप पिक्चर वाला पहला सेक्शन आएगा, फिर सेव करके सेक्शन आएगा, फिर आइकॉन, फिर 3D मॉडल, फिर स्मार्ट चार्ट चार्ट, उसके बाद स्क्रीन शॉट। तो हमने जो बोला था कि आप पिक्चर के लिए, तो पिक्चर तो आप यहाँ से पिक्चर अपने जो भी डिवाइस होगा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या, उसके बाद क्लिप आर्ट था। तो क्लिप आर्ट का यहाँ पे आप नाम ले सकते हैं, शेप, आइकॉन, 3D मॉडल, यहाँ पे सब में स्टॉक इमेज रहता है, आइकॉन्स रहता है, 3D इमेज रहता है, वो सब आपका जो भी है वो क्लिप आर्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद मेरा इमेज को फॉर्मेटिंग और एडिटिंग वाला था ना, तो वो भी आगे आएगा। जब हम कोई भी इमेज को ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक नया सेक्शन एक्टिव होता है, उसको बोलते हैं। वो कैसा लगता है सेक्शन बताते हैं। जैसे देखिए, हमने ये फोटो है इसको ऐड किया, पिक्चर में जाके इसको ऐड किया। जब ऐड करेंगे तो ये देखिएगा ऊपर में नया विंडो ये ओपन हुआ है, ये मेरा क्या होता है पिक्चर फॉर्मेट, यहाँ से हम कर सकते हैं। वो तीसरा सेक्शन जाता हो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। ओके, तो ये सब सेक्शन तो देख लिए। अब यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं पिक्चर से। जब आप पिक्चर पे आइएगा तो पिक्चर पे क्लिक करिएगा तो आपको तीन ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तीन ऑप्शन या फिर आप कुछ ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे कि जिस डिवाइस से आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, या फिर स्टॉक इमेज से करना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन पिक्चर से लाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में है फोटो इमेज है तो आप वहाँ से ला सकते हैं, नहीं है तो आप जो भी इसमें है स्मार्ट आर्ट करके है वो आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट से ला सकते हैं, स्टॉक इमेज करके जो भी इसमें लाइब्रेरी होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, या तो वह नहीं है तो आप ऑनलाइन पिक्चर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ये कर सकते हैं। दूसरा आते हैं आप क्या, दूसरा आते हैं आप, दूसरा तरीका है फोटो ऐड करने का स्क्रीनशॉट के जरिए। आप स्क्रीनशॉट करके फोटो को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट बाय इंसर्ट पिक्चर के बारे में कुछ पढ़िएगा तो कर लीजिएगा। नीचे लिखा है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, स्टॉक इमेज लाइब्रेरी और ऑनलाइन सोर्सेस। जैसे यहाँ पे आप अपने लैपटॉप से कर सकते हैं, स्टॉक इमेज से कर सकते हैं, लाइब्रेरी से कर सकते हैं, या फिर अपने ऑनलाइन सोर्स से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट के बारे में कुछ पढ़िएगा तो कर लीजिए। क्विकली ऐड अ स्नैपशॉट ऑफ एनी विंडोज दैट ओपन ऑन योर डेस्कटॉप और योर डॉक्यूमेंट। जो भी आपके डेस्कटॉप रहेगा ओपन, जो भी विंडोज ओपन रहेगा, वो सब किसी का भी आप स्क्रीनशॉट लेके इस पर ऐड कर सकते हैं। उसके जरिए भी हम स्क्रीनशॉट के जरिए भी फोटो ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ये वाला पे इंटर करिएगा तो आपको जो भी विंडो एक्टिव रहेगा उसका यहाँ पे फोटो दिखाएगा, या तो आप यहाँ पे ऐड स्क्रीन क्लिप करके वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं, आप मान लेते हैं आप आते हैं क्या, आप यहाँ पे आप करते हैं इंटर अगर क्या, इंसर्ट एंड आइकन या फिर ये वाला जो सिंबल यहाँ पे है चिड़िया वाला बना हुआ, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इंसर्ट आइकन वाला क्या होगा, एक्टिव होगा विंडोज। तो इसमें क्या होएगा, इंसर्ट एंड आइकन टू विजिबल कम्युनिकेट यूजिंग सिंबल, सिंबल के जरिए, जैसे सिंबल सिंबल यहाँ पे जैसे लिखेगा, इस पे अगर आप इंटर करेंगे तो स्टॉक इमेज में जाते हैं तो इस प्रकार का आपको सिंबल मिलेगा, जिससे आप ये कुछ आप दर्शा सकते हैं जहाँ यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो उसके जरिए आप आइकन के जरिए ऐसे कर सकते हैं। आइकन में भी बहुत सारा आता है, इमेज आता है, कट पीपल आता है, स्ट्राइकर आता है, बहुत सारा चीज़ आता है, जब उस पर आप एक्टिव करिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर काम करिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आते हैं 3D मॉडल पे। 3D मॉडल का बात करें तो 3D में जाइएगा तो आपको दिस डिवाइस या फिर स्टॉक 3D मॉडल पे करेगा, तो आप उस पर जाइएगा तो बहुत सारा सेक्शन आपको मिलेगा, इतना ही नहीं बहुत सारा सेक्शन होता है, वहाँ पे जाकर आप कोई भी 3D इमेज अपना लगा सकते हैं। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं। अब एक वो बच गया था क्या, शेप वाला, तो शेप वाला बच गया था तो कहिएगा इंसर्ट रेडीमेड शेप सच एज सर्कल, स्क्वायर एंड एरोज, बहुत सारा शेप यहाँ पे होता है, आप उस पर कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा शेप है, तो ये सब शेप आप उसमें उस जब सॉफ्टवेयर का काम करिएगा तो आप इस सबका आप यूज कर पाइएगा, ठीक है। जब आप सॉफ्टवेयर का करेंगे तो वहाँ पर भी आप देख लीजिएगा कैसे हम यूज कर रहे हैं। ओके गाइज तो सेव भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप, हमने बताया था क्या, जब आप कोई भी फोटो या फिर कुछ भी आप ऐड करिएगा तो आपको पिक्चर फॉर्मेट करके, या फिर आप मान लेते हैं 3D मॉडल करें तो 3D मॉडल करके, या फिर कोई आप, या फिर कोई आप क्या, जब स्टॉक इमेज कर सक, ये स्टॉक इमेज का लाइब्रेरी वाला कोई फोटो यूज कर रहे हैं तो स्टॉक इमेज करके फॉर्मेट करके वहाँ पे कोई भी ना कोई एक विंडो ओपन होगा है जिससे आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। जैसे पहला देखिएगा आप जब ये कोई फोटो है आप ऐड करिएगा तो पिक्चर फॉर्मेट एक विंडो ओपन होगा, ऊपर में देख सकते हैं पिक्चर फॉर्मेट, उसमें आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी लगा सकते हैं, जो भी कंप्रेस पिक्चर कर सकते हैं, चेंज पिक्चर कर सकते हैं, रिसेट पिक्चर, उसके बाद इसका फ्रेम सेट कर सकते हैं, उसके बाद उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं, उसमें लेआउट चेंज कर सकते हैं, पिक्चर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, उसको रैप आउट कर सकते हैं, टेक्स्ट उसमें ऐड कर सकते हैं, उसको किसी टेक्स्ट के अंदर में, टेक्स्ट के बाहर में, टेक्स्ट के साइड में, टेक्स्ट के बीच में लगा सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं जब आप पिक्चर फॉर्मेट, जब उसका जो भी विंडोज ओपन होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा चीज़ है, तो यहाँ पे जो भी ओपन हुआ है वहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके गाइस तो ये था पिक्चर फॉर्मेट पे ऊपर। तो यहाँ पे आप जब सॉफ्टवेयर करिएगा तो यहाँ पे थ्योरी वाली थ्योरी ज़्यादा मजा आएगा नहीं, जब सॉफ्टवेयर करिएगा ना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके गाइस तो यहाँ पे हमने बस थ्योरी वाला नॉलेज लिया है इसके बारे में, इमेज फ्रॉम फाइल एंड क्लिप आर्ट एंड फॉर्मेटिंग ऑफ इमेज। यहाँ पे टोटल 3 चीज था, पहला इमेज फ्रॉम फाइल, फाइल से इमेज को इंसर्ट करना, उसके बाद एक क्लिप आर्ट था जिसमें हमने 3D इमेज के बारे में जाना, ऑनलाइन सोर्स के बारे में जाना, उसके बाद एक और जाने क्या, स्टॉक इमेज के बारे में जाने, आइकॉन्स के बारे में जाने, तो वो सब क्लिप आर्ट का सेक्शन है। ओके उसके बाद फॉर्मेटिंग इमेज में हमने देखा, जब आपको कोई भी इमेज को इंसर्ट करते हैं या तो हो क्लिप आर्ट के जरिए हो या तो इमेज फॉर्मेट के जरिए हो, तो वहाँ पे एक नया विंडोज एक्टिव होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ इमेजेस। वो इसलिए एक्टिव होता है ताकि हम अपने जो भी विंडोज है, जो भी हम फोटो इमेज एक्टिव किए हैं, जो भी इंसर्ट किए हैं, उसको फॉर्मेट कर पाएँ। तो फॉर्मेट करने का भी बहुत सारा सेक्शन होता है, उसको हम वन बाई वन देखेंगे जब ऑनलाइन जवाती करेंगे, सॉफ्टवेयर का काम करेंगे तब। ओके गाइज तो आई होप आपको ये जो थियोरिटिकल नॉलेज दिए हैं आपको समझ में आया होगा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे अपना सॉफ्टवेयर में कर लेंगे। ओके गाइज तो सॉफ्टवेयर में कर लेंगे, तो गाइज वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज। या तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या तो हम उसको पहले ही कर लेंगे। ओके गाइज।